देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर वो कहते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात होती तो आज उठना उनको सीट नहीं आता। कर्नाटक में वो जीते रहे पहले, वो बात नहीं होती। दूसरे राज्यों में भी उनकी राज बनी तो उस समय ईवीएम से ही किए हैं लोग, तो ईवीएम पर प्रश्न उठा करके सिर्फ अपनी कमजोरी को वो दिखला रहे हैं जनता को, जैसे भ्रम दे करके कि संविधान और आरक्षण खतरा में है, तो उसी प्रकार से ये भी कह करके ये बताना चाहते हैं कि साहब हम बहुत पॉपुलर हैं। वो गलत से ही इतना सीट वो लोग ले आए हैं, गलत फहमी और भ्रम फैला करके। अगला इलेक्शन में देखिएगा, उनका आता पता नहीं रहेगा। देखिए, वो जघन्य अपराध हुआ है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियम के तहत कार्रवाई वहाँ होनी चाहिए। सुना है कि जो आठों मुदाई मुरालय थे वो जेल में हैं, लेकिन वो आदमी को जिसका हाथ कटा है उसको किसी प्रकार के मुआवजा अभी तक के नहीं मिली है। ये यहाँ के प्रशासन को देखने की ज़रूरत है तत्काल, क्योंकि वो गरीब आदमी है, उसका कोई सहारा नहीं है, उसके बच्चे हैं। तो ऐसे बाहरी हम लोग को आर्थिक सहायता दिया वो अच्छी बात पूरी नहीं हो सकी, इसीलिए प्रशासन को तत्काल उसको सहायता देना चाहिए। अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण नियम के तहत वो उसमें प्रशासन यहाँ चुका है, देखेंगे हम लोग क्या है। और रही बात कानूनी कार्रवाई, तो जब अरेस्ट लोग कर दिए हैं तो निश्चित जल्दी से चार्जशीट वो ले दें। चार्जशीट का भी एक सीट होता है, 60 दिन के अंदर में उसका डिस्पोजल हो जाना चाहिए। अगर वो होता है तो फिर उसको और कंपनसेशन मिलेगा, और फिर कोई ऐसा हिम्मत नहीं करेगा गरीबों को हाथ काटने का या गरीबों पर इस प्रकार का सीतम ढाने का। राहुल गांधी डिप्टी स्पीकर का डिमांड किया है। देखिए, परंपरा भी होती है, परंपरा तो अभी यही रही है कि विपक्ष के लोग नहीं बन पाए हैं डिप्टी स्पीकर, तो फिर इस बार बनने का हम नहीं समझते हैं कि कोई वैसा चांस है, प्रेसिडेंस है। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री पर और हमारे विधानसभा के सदस्यों पर निर्भर करता है कि वे क्या करते हैं। तो ये बात अच्छा रहेगा कि उन्हीं पर हम लोग छोड़ दें, माननीय मुख्यमंत्री पर, कि वो क्या करेंगे। हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि हमको डिप्टी स्पीकर रद्द चाहिए और नहीं तो हम मतलब अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अब वो क्या करेंगे उनकी बात है, वो हमसे तो गाइड नहीं होते हैं। लेकिन जो हर्ष लोकसभा चुनाव में हुआ, अगर वो खड़ा भी करेंगे तो वही हर्ष होगा। तो जानबूझ करके जमहूरियत को कमजोर अगर करना ही उनका उद्देश्य है तो ऐसा करेंगे, और नहीं तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं मजबूत से हैं, हम लोग जो सोचेंगे वही होगा, और जनहित में संवैधानिक परिस्थितियों को समझते हुए निर्णय लिया जाएगा। तो इसलिए लोग क्या कहता है उस पर बहुत तवज्जो नहीं देना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।